प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर देश को नए संसद भवन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का पूरे विधि विधान से अनुष्ठान के बाद शिलांग स्थापित किया और लोकार्पण किया। नए संसद भवन के लोकार्पण के बाद इसे लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी इच्छा जाहिर की। जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिसकी जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया और नए संसद भवन की विशेषताएं बताई। देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली संसद है। तो उधर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उद्घाटन समारोह के दौरान केवल एक विशेष धर्म के संतों को बुलाने पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के किसी सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कई विपक्षी दल शामिल नहीं हुए, जिसमें JDU भी शामिल है, लेकिन ऐसे में JDU नेता हरिवंश नारायण समारोह में शामिल हुए। इस पर JDU ने उन्हें आड़े हाथों लिया। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीन बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है, ये चिंता और चिंतन का विषय है। बता दें, संसद के नए भवन का 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।